देखो मिसलेंस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस, टू ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस सी बी वेक्टर, एक्सटर्नली एक्सटर्नली दिया है, ठीक है। तो देखो लेट दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज आर, ठीक है, एंड लेट दिस बी आर ओ। तो मेरे पास यहां पर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। पी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं, यानी कि ये मेरे पास क्या दिया है, टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और क्यू पॉइंट के मेरे पास दिए हैं ए वेक्टर माइनस थ्री वेक्टर, एंड आई इज द पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। यानी कि पहले पी पॉइंट था, तो ये क्या आ गया मेरे पास 1, और ये कितना आ गया मेरे पास 2, ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। देखो हमने किया था, अगर हमारे पास पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं और दिस इज आर एक्सटर्नली कट कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली कट कर रहा है, ठीक है, और ये मेरे पास है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इन द रेशो एम रेशो एन, ठीक है, तो मेरे पास क्या था एम बी वेक्टर, ठीक है, तो मेरे पास आर के जो कोऑर्डिनेट्स आते थे वो क्या रहते एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय एम माइनस एन, दिस इज वेक्टर, ठीक है, यही आते थे। तो देखो एम एम की जगह क्या है 2, ठीक है, और बी की जगह क्या है 2a+b, यानी कि 2 × ठीक है, तो मेरे पास ओ आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, एम की जगह 2 है तो 2 × ठीक है, 2 × OP वेक्टर माइनस 1 × ओ क्यू वेक्टर डिवाइड बाय एम माइनस एन, यही आएगा, विच इज गोल 2 × ओ पी वैक्टर इज 2a प्लस बी वैक्टर, ठीक है, माइनस 1 × ओ क्यू इज ए वैक्टर माइनस 3b डिवाइड बाई 1, यही आ जाएगा। तो 4a प्लस 2b माइनस ए वैक्टर प्लस 3b विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a प्लस 5b, तो ओ आर वैक्टर आ गया मेरे पास। तो पोजीशन वेक्टर क्या आ गया मेरे पास आर पॉइंट के 3a प्लस 5b, ओके, ये हो गया। अब इन्होंने सेकंड पार्ट क्या पूछा है, इन्होंने आल्सो शो दैट पी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, अगर आपको शो करना है पी मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर इफ पी इज द मिड पॉइंट, अगर पी मिड पॉइंट है तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स के मेरे पास 2a प्लस बी वेक्टर, वो किसके इक्वल होंगे, आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2, अगर मिड पॉइंट है तो, अगर ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, यानी कि अगर पी मिड पॉइंट है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर डिवाइड बाय 2, ये दोनों बराबर आने चाहिए अगर मिड पॉइंट, ठीक है, तो देखो ओ पी वेक्टर क्या है मेरे पास, ठीक है, तो ओ पी वेक्टर है मेरे पास 2a प्लस बी वेक्टर, यही है, एंड ओ आर इज 3a+5b, ठीक है, प्लस ओ क्यू इज ए वेक्टर माइनस 3b डिवाइड बाय 2, नाउ विच इज इक्वल टू 4a प्लस 2b डिवाइड बाय 2, एंड विच इज इक्वल टू क्या रहा है 2a प्लस बी वेक्टर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस बी वेक्टर है और राइट हैंड साइड पर भी क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये, और इसे सॉल्व किया राइट हैंड साइड में तो मेरे पास ये आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब जो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, द लाइन सेगमेंट आर क्यू, ओके। तो ये क्वेश्चन था, ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपके पास दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन द टू एजेंट साइज ऑफ ए पैलोग्राम, ठीक है, ये आपके पास पैलोग्राम दी है, ठीक है, इसकी जो टू एजेंट साइज हैं वो ये हैं, ठीक है,
मैंने मान लिया लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसे मैंने ए वेक्टर मान लिया माइनस फोर जे प्लस फाइव के, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे माइनस थ्री के, ठीक है. लेट दिस बी अ ए वेक्टर एंड दिस बी अ बी वेक्टर, ठीक है. फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल है, ठीक है, इसके पैरेलल आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है. तो देखो, अगर ए और बी टू एडजेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो डायगोनल क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर. मान लो सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो आपको यहां बोल रहे हैं कि इसके डायरेक्शन में आपने क्या निकालना है, ठीक है, आपने निकालना फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू इस डायगोनल. तो डायगोनल क्या आ गया, ये आ गया सी वेक्टर. तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या आएगा, तो सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये आपसे इन्होंने पूछा, ठीक है. तो आलो यहां पर आप निकालो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या जाएगा, थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के, ठीक है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा. एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, नाइन प्लस थर्टी फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन रूट फोर्टी नाइन विच इज इक्वल टू सेवन, ठीक है. तो मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू, ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल किया जाएगा मेरे पास सी कैप, एंड विच इज इक्वल टू थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के डिवाइड बाय सेवन, यानी विच इज इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन आई माइनस सिक्स अपॉन सेवन जे प्लस टू अपॉन सेवन के, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके. तो ये था फर्स्ट पार्ट. सेकेंड फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, ठीक है, एरिया क्या होता है मेरे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड. निकालो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, आई जे एंड के, ठीक है, यही आएगा, ठीक है. तो ए क्रॉस बी, ए क्या है मेरे पास टू माइनस फोर एंड फाइव, एंड बी इज वन माइनस टू एंड माइनस थ्री, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, 12 प्लस 10 इज 22i, ठीक है, ये तो यही होता है, ठीक है. पर यहां पर मैं निकाल रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है. और जे के लिए क्या जाएगा, माइनस माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन, टू माइनस सिक्स एंड माइनस फाइव माइनस इलेवन, तो प्लस इलेवन जे, ठीक है. एंड के लिए क्या जाएगा, माइनस फोर प्लस फोर प्लस जीरो के, ठीक है. एक बार फिर देख लो क्या आ रहा है. यही था आई के लिए माइनस प्लस ट्वेल्व प्लस टेन ट्वेंटी टू, एंड जे के लिए माइनस लग गया बाहर और माइनस सिक्स एंड माइनस फाइव माइनस सेवन प्लस सेवन, ठीक है. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा मेरे पास, 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, व्हिच इज इक्वल टू 484 प्लस 121 का दिस, एंड व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट 50605, एंड व्हिच इज इक्वल टू 11121, तो 11 अंडर रूट 5, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन है 11 में, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस. आपके पास आ गई ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन. ये आपके पास, ठीक है, कोई वेक्टर है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस एंड गामा एंगल इज, ठीक है, जेड एक्सिस,
ठीक है, क्या लिखा आपके पास? जो वेक्टर है, वेक्टर इज, वेक्टर बी इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो देयर फोर जो ये एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा, ये सभी क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। एंड ठीक है, हमें पता था कॉस अल्फा क्या होता है, एल, कॉस बीटा क्या होता है हमारे पास, एम, एंड कॉस गामा क्या होता है हमारे पास, एन, ठीक है ना। ऑल्सो वी नो दैट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर क्या होता है, वन, ठीक है। और ये सभी एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा, यानी कि कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू वन, बट अल्फा बीटा गामा आर इक्वल, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा अल्फा और यहां पर भी क्या आ जाएगा अल्फा, ठीक है, यानी कि थ्री कॉस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू वन, एंड कॉस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/√3, ठीक है, आ जाएगा ये। देखो ये जो है आपके पास प्लस माइनस 1/√3 आएगा, लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बन रहा है, तो कॉस अल्फा क्या है मेरे पास 1/√3। अब कॉस अल्फा 1/√3 है, तो यही मेरे पास कॉस बीटा है और यही मेरे पास कॉस गामा है, ठीक है, तो यही मैंने पूछा था इक्वली इंक्लाइंड, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों क्या चीज है, इक्वल, और ये तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, आपके पास तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं, फाइंड द वेक्टर डी, आपने डी वेक्टर निकाला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। देखो कि डी वेक्टर जो है ए और बी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, एंड डी डॉट बी वेक्टर भी जीरो होगा, ठीक है, एंड सी डॉट डी वेक्टर आपके पास कितना दिया है 50। ये थ्री कंडीशन दी और यहां से आपने डी वेक्टर निकालना है, ठीक है। मैंने मान लिया लेट डी वेक्टर जो है मेरे पास क्या है, डी वन आई प्लस डी टू जे प्लस डी थ्री के, ये मैंने डी वेक्टर मान लिया, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं डी डॉट ए को, ठीक है, तो डी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, मैं रख देता हूँ, ठीक है, तो देखो डी डॉट ए, तो डी वन आई ठीक है प्लस डी टू जे प्लस डी थ्री के का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ आई प्लस 4j प्लस 2k इज इक्वल टू जीरो दिया है पास, ठीक है, यानी कि डेट इंप्लाइज डी वन प्लस 4d2 प्लस 2d3 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज फर्स्ट। सेकंड आपके पास दिया था डी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डी वन आई प्लस डी टू जे प्लस d3 के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, यानी कि 3i माइनस 2j प्लस 7k इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज सेकंड। एंड थर्ड वन आपके पास दिया था डी वेक्टर, नॉट डी वेक्टर, दिस क्या था, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 50, नाउ सी वेक्टर इज 2i माइनस j c डॉट d या d डॉट c लिखो, एक बात है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव होता है, प्लस 4k वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, d1i प्लस d2j प्लस d3 k इज इक्वल टू 50, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लो, डी वन डी टू डी थ्री आ जाएगा, और यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास डी वेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट है मेरे पास डी वन प्लस 4d2 प्लस 2d3 इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड है मेरे पास 3d1
माइनस टू डी टू प्लस सेवन डी थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहले मैं इन्हें सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या करूंगा, इसे मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे वन से कर दूं, तो क्या आ जाएगा, थ्री डी वन प्लस ट्वेल्व डी टू। ठीक है, एंड प्लस सिक्स डी थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड थ्री डी वन माइनस टू डी टू प्लस सेवन डी थ्री इज इक्वल टू जीरो। नाउ सब्ट्रैक्ट साइन ऑपोजिट, ये कट गया, ये कितना आ गया, फोर्टीन डी टू माइनस डी थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से क्या, डेट इंप्लाइज डी थ्री इज इक्वल टू फोर्टीन डी टू। एक कंडीशन तो मेरे पास ये बनी। ठीक है, दिस इज फोर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, डी वन ठीक है प्लस फोर डी टू प्लस टू डी थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड इज टू डी वन माइनस डी टू प्लस फोर डी थ्री इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं यहां पर टू से मल्टीप्लाई, यहां वन से, तो क्या आ रहा है मेरे पास, टू डी वन माइनस एट डी टू प्लस फोर डी थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड टू डी वन माइनस डी टू प्लस फोर डी थ्री इज इक्वल टू 15। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये माइनस, ये कट गया, एंड विच इज इक्वल टू, क्या गया मेरे पास, माइनस सेवन डी टू। ठीक है, ये प्लस माइनस का है, यानी कि ये नाइन डी टू और ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, नाइन डी टू ये भी तो कट ही रहा है, विच इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, तो नाइन डी टू इज इक्वल टू माइनस 15 आ रहा है, तो डेट इम्प्लाइज डी टू इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 5/3। ठीक है, ये डी टू की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये थी मेरे पास फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इसे यहां तक रख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखो तो इसे यहां सब्सटीट्यूट करो, फिफ्थ को फोर्थ में सब्सटीट्यूट करो, डी थ्री की वैल्यू लगेगी, तो डी थ्री क्या जाएगा आपके पास, डी थ्री इज इक्वल टू 14, डी टू इज -5/3, डेट इंप्लाइज डी थ्री इज इक्वल टू -70/3, तो डी थ्री की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम वन, ठीक है, डी वन तो डी वन ठीक है प्लस फोर डी टू, डी टू इज -5/3 ठीक है, प्लस टू डी थ्री, टू डी थ्री इज -70/3 इज इक्वल टू जीरो। हाँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ नीचे, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास डी वन की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास थ्री। ओके, तो क्या जाएगा, डी वन -20/3 -140/3 इज इक्वल टू जीरो, एंड डी वन -160/3 इज इक्वल टू जीरो, एंड डी वन कितना आ गया मेरे पास, 160/3। तो डी वन डी टू डी थ्री यहां पुट कर दो, तो मेरे पास डी वेक्टर क्या जाएगा, डी वन 160/3 आई, डी टू -5/3 जे, एंड -70/3 के। ठीक है, 1/3 कॉमन लेना तो ले लो, नहीं लेना तो रहने दो, तो 160 आई -5 जे -70 के, और 1/3 कॉमन, तो मेरे पास ये डी वेक्टर आ जाएगा, और आपको यहाँ पर डी वेक्टर ही फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बोला था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है क्या, आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, और जो ये बी वेक्टर है वो है मेरे पास 2i, ठीक है, प्लस 4j एंड -5 के वेक्टर, ठीक है, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर, ठीक है, ओके, ये 3 है, ओके, तो ये मेरे पास उन्होंने दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, यानी कि ए का जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि इनके सम, यानी कि बी प्लस सी वेक्टर का जो सम आएगा, यानी कि जो आएगा मान लो डी वेक्टर, ठीक है, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, जो इनके सम का जो वेक्टर आएगा उसके यूनिट वेक्टर के साथ, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ, इज इक्वल टू 1 दिया है, ये आपके पास दिया है, ठीक है। फिर सुन लो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस यानी कि ए वेक्टर, ठीक है, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, देखो सम ऑफ द वेक्टर्स क्या जाएगा, ये डी वेक्टर, ठीक है, इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा मेरे पास डी क्या है, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना दिया है 1, यहां से लैम्डा निकालना है तो निकल जाएगा, तो डी वेक्टर क्या जाएगा बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी क्या जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू आई, यही आएगा, ठीक है, एंड प्लस 6j एंड -2k, ठीक है, तो डी कैप क्या आ जाएगा मेरे पास, डी कैप इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j -2k वेक्टर डिवाइड बाय 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट, एंड डी कैप इज इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, टू प्लस लैम्डा आई, ठीक है, प्लस 6j -2k डिवाइड बाय 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 40, ये आ जाएगा, ठीक है, तो निकालो यहां पर ए डॉट डी, तो ए वेक्टर क्या है मेरे पास आई प्लस जे प्लस के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आपने किसके साथ, डी वेक्टर के साथ, एंड डी वेक्टर इज 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j -2k डिवाइड बाय 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, बाकी सब 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो विच इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है ये लैम्डा प्लस 6, तो लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट, नाउ स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, इसको यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 लैम्डा, 36 वहां ले जाओ, 44 माइनस 36 इज 8, तो लैम्डा कितना आ गया मेरे पास 1, लैम्डा की वैल्यू क्या रही है मेरे पास 1, तो ये इन्होंने आपसे पूछा था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ए बी सी क्या है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यानी कि ए आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एंड देयर एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल, ये आपको दिया हुआ है। आपने शो करना है कि ये जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए बी और सी पर, ठीक है,
मान लो ये जो है ए के साथ थीटा वन एंगल बना रहा है, ये बी के साथ थीटा टू और सी के साथ थीटा थ्री एंगल बना रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि वो सभी एंगल्स क्या हैं आपस में इक्वल, यानी थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री क्या है इक्वल। ठीक है, मैंने मान लिया लेट, ठीक है, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ मेक एन एंगल मेक एंगल मेक्स एंगल ऑफ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो ए बी सी के साथ इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही होते हैं। ओके, तो यहां पर क्या जाएगा, एंगल कॉस थीटा वन इज इक्वल टू, तो ए की जगह क्या जाएगा आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहां पर कॉस थीटा टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके साथ बना रहा है एंगल, थीटा टू बी वेक्टर के साथ, तो डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, एंड थीटा थीटा थ्री एंगल बना रहा है वो किस वेक्टर के साथ, सी के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाय क्या जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो मेरे पास कॉस थीटा वन यहां पर आ रहा है, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए, ए डॉट ए बी के साथ क्या जाएगा प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए डॉट बी लिखो बी डॉट ए लिखो एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट इज कमुटेटिव, तो ए डॉट बी जीरो है तो बी डॉट ए भी जीरो होगा। ठीक है, यानी कि बी डॉट ए भी जीरो होगा एंड सी डॉट ए भी जीरो है, तो मेरे पास क्या बचा, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये कट गया, तो मेरे पास आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, सिमिलरली मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये आप कर लोगे सॉल्व, तो कॉस थीटा टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, एंड कॉस थीटा थ्री क्या जाएगा, सिमिलरली सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। अब देखो उन्होंने हमें क्या दिया है, हमें यहां पर लिखा है कि इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, तो cos थीटा वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, लिख सकता हूँ, एंड cos थीटा टू इज इक्वल टू, क्या मैं बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जगह ए वेक्टर लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में इक्वल है, तो ये क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैसे ही कॉस थीटा थ्री क्या जाएगा मेरे पास, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब देखो ये सभी इक्वल है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा टू इज इक्वल टू कॉस थीटा थ्री होगा, दैट इंप्लाइज थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री। ठीक है, ये तभी तीनों इक्वल होंगे जब ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो देखो
जो थीटा वन एंगल था वो ए बना रहा था इसके साथ, थीटा टू एंगल बी बना रहा था इसके साथ, और थीटा थ्री एंगल सी बना रहा था इसके साथ, ठीक है। वो तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, ठीक है, इसका मतलब है आपके पास कि जो इन्होंने पूछा था, ठीक है, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, हैज टू, ये आ गया आपके पास, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आज आप प्रूफ लेके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, हम ये लेके चल रहे हैं, हम प्रूफ कर देंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है, ठीक है। तो हमने ए डॉट बी जीरो प्रूव करना है, तो आ जाओ क्या जाएगा, ए डॉट ए प्लस दिस इज वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, व्हिच इज दैट इंप्लाइज दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड दिस इज ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, देयरफॉर बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपस में कट गया, ये स्क्वायर था कट गया बी डॉट बी, तो ये मेरे पास क्या गया, टू इंटू ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, जीरो, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज ए वेक्टर जो होगा एंड बी वेक्टर क्या होंगे, आर परपेंडिकुलर, ये आपस में क्या होंगे, आर परपेंडिकुलर, ठीक है, यही आपने प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखो यहाँ पर मेरे पास दिया है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा जो एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें क्या दिया है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। हमारे पास ए और बी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आर पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनमें से कोई ऑप्शन बतानी है, कौन सी ऑप्शन होगी, ठीक है। देखो ए डॉट बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो इसे मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक है, लिख सकते हैं, ओके। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मेरे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होंगे, आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, ठीक है, ओके देखो जीरो कॉस की वैल्यू कब होती है, पाई बाय टू पर, ठीक है, पाई बाय टू पर होती है, और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है, सॉरी कॉस की वैल्यू जीरो पाई बाय टू पर होती है, ठीक है, ये हमने ग्राफ किया हुआ है, ठीक है, दिस इज जीरो एंड दिस इज पाई बाय टू, ठीक है। जीरो और पाई बाय टू के बीच में जीरो पर वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, थीटा की एंड, ठीक है, देखो जीरो पर जीरो होगी और पाई बाय टू पर भी क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, यानी कि और जीरो और पाई बाय टू में क्या होगी, ठीक है, जीरो पाई बाय टू में इसकी वैल्यू जीरो, ठीक, दिस इज वन, ठीक है, जीरो और पाई बाय टू में जो इसकी वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, और जीरो पर जीरो पाई बाय टू पर जीरो, तो यानी कि इक्वल टू आएगा, ठीक है, इक्वल टू इसलिए है क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस का जीरो पूछा है, कॉस का जीरो कब होगा, जीरो कॉस का जीरो कब होगा, पाई बाय टू पर, ठीक है, और उससे बड़ी वैल्यू तक वन कब आ जाएगी, जीरो पर, ठीक है, और उसके बीच में वैल्यूज इसके बीच में आने वाली, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी,
ये ठीक है, तो आपके पास इसका बी जो है ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 17। ए एंड बी जो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स ही हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वन, ठीक है। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, और एंगल थीटा जो इनके बीच में एंगल है, ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच में। देन ए प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो ये बोल रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर, यानी कि वन। इफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वन है, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि तो यूनिट वेक्टर, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो हम इसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब यही होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट पर लिखते हैं दो बार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू वन, ये भी वन दिया है, ये भी वन दिया है, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकता हूं मैं, वन वन से वन कट गया, तो टू ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, ठीक है। अब ए डॉट बी क्या होता है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज वन, तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय टू, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस वन बाय टू, कब होता है, कॉस वन बाय टू 60 पे, यानी कि पाई बाय 3 पे, एंड कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, एंड थर्ड में, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो पाई माइनस पाई बाय 3, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा क्या आ गया मेरे पास, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में और कर चुके हैं प्लस वन में, दिस इज कॉस 2 पाई बाय 3, यानी कि थीटा क्या आ गया मेरे पास, 2 पाई बाय 3, यानी कि इसका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आपने इनकी वैल्यू बतानी, दिस इज नॉट ब्लैक दिस इज क्रॉस, ठीक है। तो देखो आई जे के, ठीक है, तो आई जे के ऐसे, ठीक है, तो देखो ये क्या जाएगा, आई डॉट जे क्रॉस के इज आई, आई डॉट आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के उल्टा आया तो माइनस जे, तो माइनस जे, ठीक है, एंड प्लस के डॉट आई क्रॉस जे क्या जाएगा, के, ठीक है, तो आई डॉट आई इज वन माइनस जे डॉट जे इज वन एंड के डॉट के इज वन, तो वन से वन कट गया, विच इज इक्वल टू वन, इसका आंसर आएगा वन, ठीक है। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया आपके पास, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 19 में ही क्या दिया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मेरे पास ये इक्वल दिए हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो मेरे पास सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा का होल मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, ठीक है। अब आपके पास दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, तो देखो 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 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड इज 1। तो यानी कि मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा। ठीक है नाउ अब हमें दिया क्या है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो क्या जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर कट गया एंड वन इज इक्वल टू क्या जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन वन इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू वन कब होती है पाई बाय फोर पर, टेन पाई बाय फोर इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है तो दैट इंप्लाइज थीटा कितना जाएगा मेरे पास पाई बाय फोर। ठीक है जब थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर होगी ठीक है तब मेरे पास ए डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है ये था आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके